subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. सीरियल इश्कबाज में इन दिनों इश्कबाजी का मंजर खूब देखने को मिल रहा है। अब रिसेंट ट्रैक को ही देख लीजिए, जहां शो में एक तरफ देखने को मिला कि हमारे न्यू मैरिड कपल यानी कि शिवाय अनिका एक साथ पूजा में बैठते हैं और प्रियंका की सलामती के लिए पूजा भी करते हैं, जिसके बाद देखने को मिला कि ओमकार और रुद्र शिवाय को चुनौती देते हैं कि वो अपनी पत्नी को पहचान ले, तो ऐसा ही होता है। शिवाय अपनी आंखें बंद करके भी अनिका को पहचान लेता है, जिसके बाद उसके पैरों में पायल भी पहना देता है। ये सब देखने के बाद अनिका अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके मन में एक उम्मीद जाग जाती है कि कहीं ना कहीं शिवाय अनिका को पसंद करता है। तो चलिए बीते हुए ट्रैक के साथ ही आपको जानकारी दे आने वाले ट्रैक के बारे में, जहां पर आप देखने वाले हैं, जल्द ही आप देखने वाले हैं कि अनिका शिवाय को मना करने वाली है कि वो प्रियंका से दक्ष की शादी ना करवाए। तभी शिवाय बोलता है कि वो सच जानता है और वो अपनी प्रॉपर्टी के सारे शेयर्स दक्ष के नाम करने वाला है। पहले हम आपको जानकारी दे दें, ये सब एक प्लान है शिवाय का दक्ष को रंगे हाथों पकड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवाय को दक्ष के इरादों पर शक हो गया है और उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए शिवाय ने ये प्लान बनाया है, जिस प्लान के अंदर वो दक्ष को फंसा देना चाहता है और सारा सच सामने आ जाए, इसलिए वो ये सब कर रहा है। तो अब आगे देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। क्या ये शिवाय का प्लान कामयाब हो पाएगा? क्या वो अपनी बहन को दक्ष के चंगुल से निकाल पाएगा? क्या वो अनिका को एक अच्छी लाइफ दे पाएगा? क्या वो उसकी सारी फरमाइशें पूरी कर पाएगा? या फिर कहानी लेगी कोई नया मोड़ और इश्कबाजी की इस कहानी में लगेगा कोई नया तड़का? जो भी होगा आने वाले शो में इस ट्रैक से जुड़ी तमाम खबरों के साथ हम फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज निजम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।